चाइना, ये नाम सुनते ही हम इंडियंस को एक दुश्मन नजर आता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पड़ोसियों के लिए खैर जाने दीजिए। और COVID-19 के बाद तो चाइना बेचारा और बदनाम हो गया। यदि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो चाइना एकदम रणवीर सिंह की तरह है। लव हिम और हेट हिम, यू सिंपली कांट इग्नोर हिम। बट एज एन इंडियन हम सबके दिमाग में एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आया होगा, चाइना इतना अमीर बना कैसे और हम इंडियन इतने पीछे कैसे रह गए। इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हाय गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्रो लाइक यू। इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने इनिंग्स की शुरुआत लगभग एक साथ की थी। चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन बना, ऑन द अदर हैंड इंडिया ने डेमोक्रेसी अपनाई। दोनों देशों ने 1950s में रीबिल्डिंग स्टार्ट की, चाइना अंडर माओ ज़ेडुंग एंड इंडिया अंडर पंडित नेहरू। उस समय इंडिया एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, 200 साल के ब्रिटिश राज के बाद भी। कह सकते हैं कि चाइना वॉज इन द कैचिंग अप गेम। बट आज 72 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चाइना भारत से कई गुना आगे है इन रेस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। चाइना ने लगभग हर क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है, जो कि एनफ है उसे ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड इंडिया को अभी भी एक उभरती हुई शक्ति की तरह देखा जाता है। माओ ज़ेडुंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की, नहीं ले जा पाए चाइना को इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ। 1978 में जब माओ ज़ेडुंग की मृत्यु हुई, तब चाइना स्ट्रगल कर रहा था विद एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड अनकंट्रोलेबल पॉवर्टी। माओ ज़ेडुंग के बाद के लीडरशिप ने चाइना की इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली इन कोस्टल एरिया, जिससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ईजी हो गए। कम्युनिस्ट सरकार ने एग्रीकल्चर को भी फ्री कर दिया, जो पहले सरकार के कंट्रोल में थी, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सख्ती से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। ऑन द अदर हैंड इंडिया की इकोनॉमी पहले से खुली हुई थी, हालांकि उसका यूज़ ब्रिटिशरों ने अपने फायदे के लिए किया। अंडर पंडित नेहरू इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी चुनी, जिसके अंडर प्राइवेट इंटरप्राइज को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता था। 1960s के दशक में इंडियन इकोनॉमी 3.5% के रेट से आगे बढ़ रही थी, जो कि एक एवरेज इकोनॉमिक रेट है। ऑन द अदर हैंड 1970s में इंडिया की पॉपुलेशन 2.5 से ज़्यादा के रेट से आगे बढ़ रही थी, और इंडिया दुनिया में पहला देश था जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू की। हालांकि फैमिली प्लानिंग सेंटर ठीक से काम करने में सक्षम नहीं थे, कारण था लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज इन रिमोट एरिया और अवेयरनेस की कमी। चाइना ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट किया। यह डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, जिससे लाखों लोगों को रोजगार और लोगों के परचेसिंग पावर में भी बढ़ोतरी हुई, जो कि एसेंशियल है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। चाइना अभी भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर। ऑन द अदर हैंड इंडिया की एवरेज इन्वेस्टमेंट 3% ऑफ GDP थी आज़ादी के पहले 50 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जबकि उस सिचुएशन में 6.5% की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ऑन द अदर हैंड चाइना 9% ऑफ GDP के रेट से इन्वेस्ट कर रहा था, जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट से 2.5% ज़्यादा है। 2019 के सर्वे के अनुसार इंडिया को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 7-8% ऑफ GDP की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। सर्वे के द्वारा पता चला कि इन्वेस्टमेंट 25% लोअर थी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। 1970s में इंडिया और चाइना दोनों के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम थी, डेमोग्राफी एंड इकोनॉमी। चाइना ने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को चुना, कारण था चीप लेबर, और इस कारण से टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े इन्वेस्टमेंट आए। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन एरियाज को कहा जाता है जहां ट्रेड और बिजनेस रूल थोड़े डिफरेंट होते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से, ताकि इन्वेस्टर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और चीप लेबर को एक्सेस कर पाए
ऑन द अदर हैंड इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जैसा कॉन्सेप्ट दशकों बाद आए, बट इंसेंटिव के कमी के कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भारत ने भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पे ध्यान क्यों नहीं दिया। भारत में भी तो लगभग उतना ही सस्ता लेबर था। कारण था, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थान पर हैवी इंडस्ट्रीज को चूज किया, और हैवी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है स्टील प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग, माइनिंग एंड लोकोमोटिव प्रोडक्शन। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि फुल्ली डिवोटेड था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और फुल फोकस रखा गया कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर, और इस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ने पोटेंशियल जॉब को जॉब सीकर में बदल दिया, और यह इंटेंसिव पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ना ही इसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट किया और ना ही रेवेन्यू कलेक्शन को। यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इंडिया को चाइना से ट्रेड से रिलेटेड चीजें सीखनी चाहिए। 1990 के अंत तक जो देश इंडिया से गरीब था इन टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो देश आज इंडिया से पर कैपिटा इनकम के मामले में 4.5 गुना आगे है। इन 72 सालों में चाइना ने हम इंडियन से बहुत बेटर काम किया है, और हम इंडियंस को इन गलतियों से सीख लेनी चाहिए जो कि हम ले रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, नए वीडियो बनाने का जज्बा रहता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।